मुझे माता श्री महाकाली से उनकी लीला का रहस्य पूछना चाहिए। यही इच्छा महा गणपति जी की भी थी, इसलिए तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन भी दिया था और इसलिए हम यहाँ एकत्रित भी हुए हैं। माता ने जो स्वर्णिम अवसर हमें दिया है उसे गवाना सर्वथा अनुचित होगा। मुझे माता से निडर होकर प्रश्न करने ही होंगे। हे माँ, मेरे प्रश्न के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। पूछ, पूछ अपने प्रश्न पूछ। माता, मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या परम ब्रह्म अनेक है? क्योंकि जब मैंने महादेव की कथा सुनी थी तो मुझे ज्ञात हुआ था कि वो ही परम ब्रह्म है। और फिर मुझे श्री महागणपति जी ने भी यही बताया था कि वो परम ब्रह्म है। और अब आपने भी कहा कि आप ही परम ब्रह्म है, तो फिर वास्तविक परम ब्रह्म है कौन? उत्तम, अति उत्तम प्रश्न पूछा है रे गणेश। सत्य, सत्य तो यही है कि परम ब्रह्म एक ही है और हम सब उसी महाशक्ति के रूप है, किंतु वो तो अव्यक्त है, निरंकार है, सर्वत्र व्याप्त। उनका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत, वो तो बस है एक सर्वोच्च अस्तित्व के रूप में। किंतु माता, यदि संसार में एक ही परम ब्रह्म है, एक ही महाशक्ति है, तो वो भिन्न रूप क्यों लेती है? गणेश, तू तो बड़ा बुद्धिमान है रे, तेरी जिज्ञासा शांत करनी ही होगी। ध्यान से सुन, परम ब्रह्म की महाशक्ति संसार में आवश्यकता के अनुसार अनेकों रूप में प्रकट होती है। वही परम ब्रह्म महादेव के रूप में प्रकट हुए और श्री महागणपति जी के रूप में भी, वही श्री महाविष्णु संसार में नारायण के रूप में प्रकट हुए। और उन्हीं परम ब्रह्म का एक रूप मैं भी हूं। परम ब्रह्म के रूप अपने अनुसार संसार के कल्याण हेतु कार्य करते हैं, जो अपने अनेक अवतारों में सृष्टि का पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। किंतु माता, श्री महाकाली रूप लेने के पूर्व आपने माता मातंगी का रूप क्यों धारण किया था? तेरी जिज्ञासा कब शांत होगी रे गणेश? सुन, मेरे 10 महाविद्या रूप है और उन 10 महाविद्या रूप में से 9वां रूप है मातंगी। 10 महाविद्या माता? संसार के सृजन, पालन और संहार हेतु सृष्टि के विकास और उसके चक्र को उचित रूप से गतिमान करने के लिए मैं अपनी 10 महाविद्याओं के रूप धारण करती, और जब जब संसार को मेरी आवश्यकता होती है तो उसी प्रकार मैं अपना रूप धारण करती। माता, मेरी जिज्ञासा तो और भी बढ़ती जा रही है। आपके 10 महाविद्या रूप माता, ये कौन है? हमें उनके रूप, शक्तियाँ और कार्य विस्तार से बताने की कृपा कीजिए माता। हमें उनके नामों का भी परिचय दीजिए। मेरी 10 महाविद्याओं के नाम है काली, काली, तारा, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, भूमति, बगुला, बगुला, बगुला,
मातंग मातंगी कमला कमला चिन चिन मास्टरगा प्रत्येक महाविद्या रूप में महादेव भिन्न रूप में मेरे साथ रहते, जैसे कि मेरे मातंगी रूप में वो मातंग के रूप में मेरे साथ रहते। माता, हमें अपने दसों महाविद्या रूपों का परिचय देने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। क्यों? तुम सभी यहाँ मेरे महाकाली रूप का रहस्य ज्ञात करने के लिए एकत्रित हुए हो ना? तो सुनो, अब मैं तुम्हें अपने महाविद्या रूप और मेरे उस रूप में महादेव कौन से रूप में होते हैं ये बताती हूँ। मेरा सर्वप्रथम महाविद्या रूप है काली। काली का उद्गम संसार में महादेव के साथ कैसे हुआ और काली रूप में महादेव ने कौन सा रूप धारण किया, सर्वप्रथम ये कथा सुनो। प्रलय के उपरांत संसार नष्ट हो जाता है, कुछ शेष नहीं रहता, तब एकमात्र मैं रहती हूँ अव्यक्त निरंकार रूप में, और फिर मेरा प्रणव रूप प्रकट होता है जिससे संसार की सृष्टि होती। समय आने पर देवी लक्ष्मी नारायण की पत्नी बनेंगी और देवी पार्वती महादेव की अर्धांगी। महादेव और देवी सरस्वती, आप दोनों एक तत्व हैं। उचित समय आने पर देवी सरस्वती ब्रह्मदेव की पत्नी बनेंगी। आप सभी को अपने दायित्व, शक्ति और कार्य ज्ञात होंगे।